नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 22 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जिलाधिकारियों से बात की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी डीएम को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जिले में होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया। पीएम ने कहा कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रहीं, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता रहा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल बाद देश के कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों के साथ पिछड़े जिलों का टैग लगा दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज आकांक्षी जिले देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से आज आकांक्षी जिले गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है, जिनमें से एक दो पैरामीटर्स पर ये अलग अलग 142 जिले पीछे हैं। अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है जैसे हम आकांक्षी जिलों में करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जनधन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। याद है 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं मुख्यमंत्रियों का भी और राज्यों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा कि अनेक जिलों में होनहार और बड़े तेज तर्रार नौजवान अफसरों को लगाया है। ये अपने आप में सही रणनीति है। उसी प्रकार से जहां वैकेंसी थी उसको भरने। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अनुराग तिवारी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल आनंद जी भी चर्चा का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इनके अलावा दीपचंद राठौर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राहुल आनंद जी, शुरुआत हम आप ही के साथ करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम जिले के जिलाधिकारियों से बातचीत की। अब उन्होंने कहा है कि 143 ऐसे गांवों की लिस्ट तैयार की गई है जो आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। थोड़ा देरी नहीं हो गई सर? और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों ने तो गांव गोद लेने की भी परंपरा शुरू की थी, उस परंपरा का क्या हुआ? किसी कंक्लूजन पर निकले हैं कि नहीं निकले हैं? आज जो प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, सारे जिला अधिकारी से बात करते हैं तो निश्चित स्वागत योग्य है। और दूसरी बात यह है कि जो पिछले दशक में जो रफा उनके रीजन में जो जिले और खासकर जिन्होंने आजादी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई थी, जिस पार्टी को, वो पार्टी ने ही इसकी अपेक्षा की। अगर सात कार्यकाल आया है तब से मैन ऑन मिशन का काम हो रहा है, चाहे वो हर अफसर की बात कर ली जाए या राष्ट्रीय हित की बात कर ली जाए या वर्ष की बात कर ली जाए, भारत को स्वच्छ बनाने की बात कर ली जाए, जो एक ईमानदार सोच की जो बात होती है और काम को जो दमदार कहते हैं, जो डंका बजता है, आज मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं, आखिरी पदार्थ पे खड़े जो व्यक्ति तक पहुंचा है, तभी जाकर आज शानदार जानदार की बात हम कर पाते हैं, इससे मशवरे हैं। दूसरी बात, जो जिलाधिकारियों के जितने देर में बात करके उनको जो पुष्ट करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो जो राज्य के और जिले की प्रगति में जो योगदान करते हैं, ये उनको सराहने योग्य कदम है। और जो आप
गांवों को गोद लेने की बात कर रही थी एमपी के माध्यम से, तो मैं आपको इस चीज में बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी एमपी हैं जिन्होंने अपने गांव को गोद में लिया है, तो उनकी जो विकास की जो परंपरा है वो निश्चय ही उस जगह पे पहुंची है जो पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा संस्करण ले रहा हूँ, बिहार के बेगूसराय में एक गाँव जिसको गोद लिया गया है माननीय गिरिराज मंत्री जी के द्वारा, तो उन्होंने जिस गांव को गोद में लिया है उस गांव की रूपरेखा देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, वहां वंशों वंशों संवाद का जो कार्यक्रम होता है, जो विकास की जो बात हम करते हैं अपर लेवल पे लोअर लेवल पे और लोअर लेवल से अपर लेवल पे, ये वंशों वंश का जो संवाद है ये देखने को मिला है। और ये निश्चय ही ये राष्ट्र के निर्माण में, राज्य के निर्माण में और जिला के निर्माण में सहयोगी है। और उन अवसरों का जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कार्यों को चलिए दीपचंद जी, अंत्योदय पर काम कर रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, और इस योजना के तहत ही हम देख पा रहे हैं कि 142 जिले चिन्हित किए गए हैं केंद्र की सरकार की तरफ से। अब इन जिलों का भी विकास उसी गति से किया जाएगा जितनी गति से आकांक्षा जिलों का विकास होता है। राहुल जी ने कि अगर कोई योजना चल रही है तो देश में महंगाई के द्वारा लूटन योजना चल रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि आज अगर 2000 नौकरियां दे दी होती या 100 स्मार्ट सिटी बना दी होती या ब्लू ट्रेन चला दी होती या काशी को टोक्यो बना दिया होता, तो आज जो आपका सवाल पूछा ना, जो पेट्रोल 100 रुपए वो 500 रुपए लीटर हो जाता। तो इन्होंने जो इनकी जो गलत नीति है, जो गलत नीतियां से नोटबंदी जो गलत है, इनको मानना पड़ेगा। इनका सारा भार मतलब जनता पर थोपेंगे। और जो इन्होंने भी बात की मैंने कि हमने ये दो गांव गोद लिए हैं, तो उनकी आप हालत जाके देखो, भारतीय जनता पार्टी ने 1975 से लेकर 2013 तक कुछ नहीं करा। जितनी भी योजनाएं थी वो कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, सिर्फ इन्होंने तो उसका नाम बदलने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन औषधि योजना थी, जैसे उन्होंने नाम बदल के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रख दिया। बीपीएल ये जो था उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नाम रख दिया। निर्मल भारत अभियान था जो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान नाम रखा। इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा है, लोगों को मतलब लोगों को बेवकूफ बनाया है। अगर आज कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले और आजादी के बाद जो भागीदारी दी है किसी पार्टी की नहीं हुई है। मैं और रहे जितने भी कॉलेज स्ट्रक्चर और स्कूल है, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। 7 साल में इन्होंने सिर्फ अगर कुछ कराया है तो बात इन्होंने मतलब संपत्ति को बेचने का काम करा है और कुछ नहीं कराया इन्होंने 7 साल में। सर आपसे मैं आंकड़ों के ऊपर बात करूंगी और मैं आपसे ये जानना भी चाहूंगी कि आपके कार्यकाल में क्या इस तरह की कोई लिस्ट आप लोगों के द्वारा तैयार की गई थी कि कितने जिले आजादी के 75 वर्ष बाद भी अभी पिछड़े रह गए हैं, किस तरह का विकास वहां पर होना चाहिए, गांवों को गोद लेने की प्रक्रिया क्या कांग्रेस के कार्यकाल के समय में की गई थी, और अगर की गई थी तो उसका क्या हमें फायदा देखने को मिला। आंकड़ों के हिसाब से सारी बात विस्तार से होगी, लेकिन एक रिएक्शन में पहले अनुराग तिवारी जी का ले लेती हूं। अनुराग तिवारी जी, डीएम के साथ बैठक करना, सारी चीजों को समझना, विकास के बारे में समझना, प्रधानमंत्री के द्वारा ये एक पहल की जा रही है। अब बात यह है कि आपको लगता है कि ये करते करते थोड़ी देर हो गई या फिर समय के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है? मैं पहले ये बता देना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है भारत की पिछले 7 सालों में, मुझे लगता है कि उसमें काफी बदलाव आया है। बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली है जो आजादी के 75 साल में हमें पहली बार देखने को मिली है। और मुझे इस चीज को बोलते हुए कतई कोई दुख नहीं है कि इन 7 सालों में ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जिसमें गाँव के स्तर पर आपको विकास देखने को मिला है। आप चाहें किसी भी योजना को उठाकर देखिए, आप चाहे जनधन योजना उठा के देखिए, चाहे आप फ्री राशन की योजना को उठा के देखिए, चाहे आप उज्ज्वला योजना को उठा के देखिए, इसमें गांव के निम्न स्तर पे जो सबसे अंतिम पायदान पे इंसान बैठा है उसको फायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत बार अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में जाता रहा हूं और मैंने ऐसे देखा है कि इससे लोगों को फायदा हो रहा है। जो गरीब इंसान जिसको सरकार जिसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है उसको इस चीज से फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो ये मीटिंग हुई है
मैं मानता हूं कि ऐसी मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी कई ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें ग्राम प्रधान, जिसमें मुखिया और जिसमें और छोटे स्तर के लोग भी शामिल हुए थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे में बहुत साफ स्तर पे ये चीज है कि हमें जो भी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको ग्राम स्तर पे पहुंचाना है। और मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस चीज की तारीफ विपक्ष को भी मुझे लगता है कि कई मायनों में विपक्ष ने किया हुआ है, इस चीज की तारीफ की हुई है, और मुझे लगता है कि जनता इसका फायदा ले रही है। चलिए राहुल आनंद जी, एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई सांसद ऐसे हैं जब जिनकी अब दिलचस्पी घट रही है, जिन सांसदों ने गांव गोद लिया अब दिलचस्पी कम होती जा रही है, वहां पर जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही हैं। जब पुरानी योजना दम तोड़ती हुई नजर आती है तो ऐसे में आप किस तरीके से नई योजना की ओर बढ़ सकते हैं, और वो भी लगभग एक जैसी ही वो योजना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने सांसदों की रेटिंग भी करना चाहते हैं। और जो सियासी सफर जब शुरू होता है चुनाव के दरमियान, उस समय जब लोग एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो टिकट कटने के डर से ही जाते हैं। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब यूपी में संबोधन कर रहे थे आचार संहिता लगने के पहले, तो उन्होंने कहा था सुधर जाओ या सुधार दिए जाओगे। इसका मतलब साफ और स्पष्ट निर्देश था उन लोगों को जो लोग अपने क्षेत्र में विकास नहीं करते हैं या जो थका महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया और ऐसी पद्धति जिसका हमने संचालन किया है, जो एक नई ऊर्जा का स्रोत भी बना है हमारे लिए, कि अब अगर आप जनता के सेवक चुनकर आते हैं, लोकसभा में संसद में बैठते हैं, तो जनता के हितों के बारे में सोचना होगा। वो दौर पुराना था जिसमें लोग जीत कर जाते थे, साल 2 साल बाद योजनाएं आती थी और वो क्रियान्वयन की जाती थी। अब वो बातें नहीं रही। अगर आप आधुनिक भारत की बात करेंगे और उसमें जो ग्रामीण तबका है अगर उसको जाकर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये विकास समझ में आएगी। कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की और बहुत सारी बातों को कर रहे थे। जी चलो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आपकी बात को, कि आप ही के बात को भारतीय जनता पार्टी नाम बदल करके, आपको करने से किसने रोका था? आपने जो स्थिति देश के अंदर पैदा कर रखी थी, जो खंडित कर रखी थी, आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आप जनता का भरोसा कायम रखने में आप मुस्तैद रहे? सिर्फ कहने की बात होती है। जो लोग भारत के पराक्रम पे भारतीय सेना से सबूत मांगते हैं, वो अमर ज्योति के विलय में देश प्रेमी का राग गाते हैं। यही पे अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, जबकि इसको विच्छेद करके बताया जा चुका था कि क्या है अमर ज्योति, क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। लेकिन जहां तक अगर आपको शासन में रहना है, तो जनता के हितों की बात करनी होगी और आपकी रेटिंग तय होगी। और आप देखिएगा, जो नई परंपरा की जो शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी में, ये बहुत सराहनीय कदम है कि अगर आप स्कूल में अच्छे नंबर पे नहीं पास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फेल किया जाएगा। और हम इसमें रैंकिंग करने में और अपनी योजनाओं की समीक्षा करने में, ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की गई है भारतीय जनता पार्टी से, जिसका स्वागत देश के सभी लोग कर रहे हैं। देखिए सर, आपकी बातों से इत्तेफाक मैं थोड़ा बहुत रख रही हूँ, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि सांसदों की दिलचस्पी कम हो रही है, अब उसके तर्क में आपने मुझे ये तो कह दिया कि आप लोग जानते हैं अपने सांसदों की रेटिंग करना, लेकिन क्या आप वजह समझ पा रहे हैं कि सांसद क्यों दिलचस्पी नहीं ले पा रहे? क्योंकि एक बड़ी जो बात सामने निकल कर आई है वो फंड की कमी है। सांसद निधि से आपको विकास का पैसा पूरा निकालना है, अब सांसदों को अपने ही इलाके में तमाम काम करवाने होते हैं, ऐसे में उसी फंड से एक और गांव का विकास करना उनके लिए भी तो मुश्किल भरा होता है ना सर? तो इन समस्याओं का समाधान आप कैसे निकालेंगे? अब आपने 142 जिलों की रिपोर्ट तैयार कर ली, उसके लिए आप फंड कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आपके पास भी आय के स्रोत वही है। देखिए, हमारे देश के अंदर जितने भी जिले हैं, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 142 जिले निकलकर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जगहों पे विकास पहुंची है और जो ठीक रफ्तार होनी स्थिति में चाहिए। है मैं वो? आपकी इस बात से सहमति रखता हूं कि रफ्तार भले ही स्लो होगी, लेकिन
चाहे जो भी पैंडमिक सिचुएशन हमारे देश के अंदर आया था, उसके बाद निरंतर हमने विकास के तरफ ही अग्रणीय किया है, और जो रास्ता हमने चयन किया है, और जहां तक फंड की कमी की बात की जा रही है, तो ये सरकार का ये दायित्व बनता है इसकी समीक्षा करना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। अगर फंड की कमी होती तो जो योजनाएं चलाई जा रही है हमारे देश के अंदर वो क्रियान्वयन नहीं हो पाती, वो फलफूल रही है। और जब भी हमारे देश के ऊपर संकट आया है, खास करके, तो हमारे देश की 135 करोड़ जनता ने कदम से कदम मिलाकर सरकार का साथ दिया है। तो फंड की जहां तक जो बातें हैं उससे मैं सहमति नहीं रखता हूं, ये ऐसी कोई बात नहीं होगी। चलिए, दीपचंद्र राठौर जी, आपका क्या विचार है सर? अगर किसी गांव की या किसी जिले की प्रगति रुकी हुई है तो उसके पीछे बड़ी वजहें क्या हो सकती हैं, सरकार की मंशा के अलावा भी? पल्लव जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी जो मेरा भाई ने जो बड़ी बड़ी योजनाएं बताई अपने भारतीय जनता पार्टी की उज्जवल योजना, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो उज्जवल योजना आज गांव में कितनी सक्सेस है? आज जो आपने जो सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया है, उस पर आप बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, जबकि आप जब जनता के बीच में आए थे तो आप महंगाई को मुद्दा लिख रहे थे, और आज वही महंगाई राहुल जी को टॉपिक ये बताया गया था जो अभी जिले 142 तैयार किए गए हैं, नहीं चाह रही थी। बताइए, राहुल भाई का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, बोलिए सर। भाई, आपने जो फंड की बात करी है, जितने भी सांसद, हर कोई सांसद और एमएलए अपने गाँव का विकास चाहता है, लेकिन फंड आए कहाँ से? सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि फंड के लिए हमें क्या है कि जो भी खर्चे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। जैसे कि फालतू के जो ये खर्चे आ रहे हैं फंड से, जो हम सोच रहे हैं कि अपने इधर से उधर करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और रही दूसरी बात, कांग्रेस के राज्य में जितना जितना विकास हुआ है, उससे ज्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कर पाएगी और नहीं कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो भी योजना दिखा रहे हो सब कांग्रेस की दी हुई है चीज है। इन्होंने एक भी चीज बताई है कि हमने ये नया चीज लेकर आया, आप बताइए कोई भी चीज। ये आपके समय में भी चल रहा था सर, इस तरीके से जिलेवार समीक्षा करना, इसके अलावा रिपोर्ट्स तैयार करना, गांवों को गोद लेना, इस तरह की कौन कौन सी योजनाएं आपके समय में भी थी, और उनका क्या निकल के आया निष्कर्ष? देखो पल्लवी जी, आज सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। ये जवाब तो आपको उनसे पूछा थी, उनके नहीं, 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 आप मेरी बात नहीं समझे। आप बोल रहे थे कि जो योजनाएं आप लोग चला रहे थे उसी का नाम बदलकर अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे बढ़ा रही है, तो मैं इन योजनाओं के बारे में जानना चाह रही थी कि क्या आपने इस तरह की योजनाएं शुरू की थी? उनसे तो मैं ले ही रही हूँ ना सर जवाब, मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ कि आपके टाइम पर किस तरह के काम हो रहे थे। देखो, मैं बताना चाहूंगा, हमारे टाइम में कांग्रेस कार्यालय में जो भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना लेकर आए थे, जिन्होंने उसको हमने ज्यादा ज्यादा बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लेकर आए हम, राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम लेकर आए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान लेकर आए, ये सब किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। जन औषधि योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, राष्ट्रीय आवास योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। ये योजना तो शुरू से चलती आई है ना पल्लवी जी, इन्होंने तो सिर्फ नाम चेंज करा है उनका, इन्होंने आखिर नया क्या करा, मुझे आप बताइए। ठीक है, अनुराग तिवारी जी, आप क्या वजह मानते हैं सर, आजादी के 75 साल बाद भी अब 142 जिले, गांव या ढाणी नहीं, जिले ऐसे निकले हैं जो अति पिछड़े इलाकों में माने जा रहे हैं, क्यों विकास नहीं हो पाया, इतना लंबा वक्त कैसे लग गया कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो दीपचंद जी बोल रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं लागू की, तो मुझे ये जानना है इनसे कि आपने अगर योजनाएं लागू की तो इन 75 सालों में उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है आपको? ऐसी बहुत सारे जिले कैसे बच गए आपसे? और दूसरी बात ये कि अगर आपने लागू की तो अभी जो मौजूदा आपके पास राज्य सरकारें हैं, आप उनमें इस प्रकार की योजनाओं पे क्या काम कर रहे हैं? आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है तो आप बिल्कुल जनता के सामने रखिए। आप अगर ऐसे आपके पास कोई रिपोर्ट है कि अभी मौजूदा राज्य सरकारों में आपकी जो राज्य सरकार है उसमें क्या कुछ चल रहा है, तो आप बताइए जनता को कि क्या कुछ चल रहा है, उसका क्या परिणाम है। दूसरी बात ये कि आपने जो पूछा मेरे से सवाल कि क्या कुछ कारण रह गया था जिससे अभी भी ऐसे बहुत सारे जिले
हैं जो बच गए। मुझे लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि वहां के जो सांसद महोदय हैं या फिर वहां के जो जिला अधिकारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है इस पिछड़ेपन के लिए। मैं एक कतई इस पे विश्वास नहीं करता हूं कि राज्य सरकार या राष्ट्रीय स्तर से जो योजनाएं जाती हैं वो जिले तक पहुंचती हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी योजनाएं हैं उनको लागू करने का जो काम होता है वो जिला अधिकारी का होता है। तो मैं इसके कतई फेवर में हूं कि इनके पीछे जो भी कारण है वो वहां के जिला अधिकारी का है, और इसके पीछे सरकार को ये करना चाहिए कि जो आपका अभी का आपका आईएएस और आईपीएस का सिस्टम है उनको और मजबूत करना है। उनको आप ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि वो लोग उन चीजों को लागू कर पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी कई बार रिपोर्ट आती है कि ऐसे बहुत सारे आईएएस और आईपीएस बड़े अधिकारी हैं जो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड पे नहीं उतार पाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक कारण रह गया है जिसके जिसके लिए भाजपा सरकार को भी और मौजूदा भाजपा सरकार को भी बहुत सारा काम करना बाकी रह गया है कि आप उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दीजिए, ऐसे आप उनको मॉड्यूल दीजिए, ऐसे आप उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराइए जिससे उनको लगे कि हमें एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जाके, ग्राउंड जीरो पे जाके कैसे काम करना है और लोगों की मदद कैसे करनी है, उनके जीवन को बदलना कैसे है। तो ये चीजें सब कुछ जिलाधिकारी के ऊपर है और उसी का मुझे लग रहा है कि फंड की कमी कारण को रह आप गया भी है। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानते अनुराग जी, कि फंड की कोई कमी हो सकती है? जी, आप एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके हिसाब से भी फंड की कमी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, मतलब अगर ये लॉजिक इस्तेमाल किया जाए कि फंड की कमी हो सकती है, आर्थिक सहायता जो होनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल पा रही है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसमें जो भी कमियां रह गई हैं वो कमियां रह गई हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से नेता हैं और कौन से जिलाधिकारी हैं, उन सब की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि तय करनी जरूरी हो गई है। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस पे कार्य कर रही है और बहुत जल्दी कुछ ऐसा एक ठोस कॉन्क्रीट प्लान निकल के आएगा जिसमें इन चीजों पर भी बहुत अच्छे से प्रभावी ढंग से एक योजना बन पाएगी। चलिए राहुल जी, जब ये योजना आप लोगों के द्वारा लाई गई थी सांसदों के लिए कि आप किसी गांव को गोद लीजिए ताकि उसका विकास हो सके, तो टीएमसी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया था। इवन कांग्रेस के भी सांसद इसके लिए तैयार हो गए थे, उन्होंने भागीदारी भी निभाई है। अभी क्या अपडेट है? कांग्रेस के जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे, क्या वहां पर सर्वांगीण विकास हो पाया है? विकास की गंगा वहां से बह रही है या नहीं बह रही है? देखिए, ये तो आपने बहुत ही बड़ा सवाल मुझसे पूछ लिया ये प्रश्न, क्योंकि इसके अंदर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। जो भाजपा शासित प्रदेश के जो एमपी हैं या ऐसे प्रदेश जहां पे दोनों लोग पक्ष और विपक्ष दोनों के एमपी हैं, और उन लोगों ने जो भी गांव को लिए हैं गोद में उसमें क्या विकास हुआ है, तो ये समीक्षा की बात है। मैं अभी बैठकर इसके ऊपर कुछ अपने वक्तव्य को रखने से आपको बस इतना ही आग्रह करूंगा कि ये समीक्षा का विषय है। अगर इसकी समीक्षा किया गया तब पता चलेगा कि विच वन इज द बेटर, आइदर बीजेपी एमपी हैज वर्क और कांग्रेस एमपी हैज वर्क। और जहां तक विरोध करने की बात है, तो टीएमसी के मुखिया खास करके ममता दीदी ने तो एक फैशन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे उसका मुझे विरोध करना है, चाहे वो सही भी होगा फिर भी विरोध करना है, गलत होगा तो खैर विरोध तो करती ही है। लेकिन अब तक की जहां तक अब तक का जब जो विषय रहा है कि उन्होंने विरोध का एक फैशन बना लिया, और यही सारे लोगों को ये बोलती है, चाहे वो बीएसएफ का दायरा की बात हो, उनका विरोध करते करते पंजाब में भी विरोध कर दिया इस चीज का, और खुद वहां पे चूक हुई ये पूरे देश ने देखा। दीपचंद राठौर जी, आवाज मिल रही है राठौर साहब आपको? हेलो, हाँ आ रही है मैम। सर बताइए, आपके सांसदों ने जिन गांवों को गोद लिया था वहां की क्या स्थिति है अभी? देखो पल्लवी जी, हमारे 3 राज्यों में सरकार है, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान, ठीक है जी। जिसके अंदर आपके, मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने भी बताया उनसे अच्छी हमारी स्थिति है। और रही इनकी बात, इनकी जहाँ इनकी सरकार है वहां पे आप आंकड़ा उठा के देखो कि 97% लोगों की आय कम हो चुकी है। अगर किसानों की आय की बात करें तो 27 रुपये प्रति महीना हो चुकी है, जबकि इन्होंने दुगनी आय की बात कही थी। ठीक है, ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो आज हमारा देश भुखमरी विश्व गुरु की जगह भुखमरी की ओर आगे बढ़ता जा रहा है।
लेकिन बात यह है कि पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होगी, विकास होना चाहिए सभी गांव ढाणी और इनका, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी अपने स्वार्थ के कारण, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी अदर पार्टी हो, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण उसका मतलब अपने मतलब वहां की जनता का हक मारती है। ये आपको पल्लवी जी मैं रियल बात बताना चाहूंगा कि उसमें जो चैन होती है वो ऊपर से लेकर नीचे तक मिली हुई हुई है, और ये हमें अच्छा, मानना पड़ेगा, सच्चाई है। वो तो अनुराग तिवारी जी भी कह रहे थे कि प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत सारी चीजों को सुधारने की जरूरत है, तभी जाकर जो विकास की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं उसे साकार कर पाएंगे। फिलहाल समय की कमी है सर, मैं बीच में रोक रही हूँ। आपको शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। ये बैठक की गई है तमाम जिले के जिला अधिकारियों के साथ। इसी के साथ इस पूरी बैठक के दौरान 142 ऐसे जिले रिपोर्ट किए गए हैं जो इस समय काफी अति पिछड़े की श्रेणी में आ रहे हैं। अब इन जिलों को देखकर इसमें किस तरह की सुविधाओं की कमी है, किस तरह के विकास की जरूरत है, ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद सरकार की तरफ से योजनाएं यहां पर लागू की जाएंगी। अब इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।